नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। पतिलार में रविवार से ग्राम कचहरी का संचालन शुरू हो गया। ग्राम कचहरी में पहुंचे दर्जनों फरियादी। बगाएक प्रखंड के पतिलार पंचायत में नव निर्वाचित सरपंच ने रविवार को राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में शुरू किया ग्राम कचहरी का संचालन। सरपंच प्रतिनिधि जगन्नाथ यादव की अध्यक्षता में शुरू की गई ग्राम कचहरी की बैठक। दर्जन भर फरियादियों के साथ पंचायत के दर्जनों लोग हुए उपस्थित। ग्राम कचहरी के पहली बैठक में सौहार्दपूर्ण माहौल में चार मामलों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। सरपंच पति जगन्नाथ यादव ने बताया कि कुल 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें चार मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया है। बाकी 7 मामलों को लेकर सुनवाई के बाद अग्रिम तिथि मुकर्रर की गई है। ग्राम कचहरी संचालन के पहले दिन उद्घाटन के अवसर पर पंचायत के मुखिया पति अभिषेक मिश्रा, चंद्रपुर रतौल पंचायत के मुखिया नीतीश कुमार राव के साथ सभी पतिलार के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। इस अवसर पर अभिषेक मिश्र ने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब आवश्यकता है कि छोटे छोटे विवादों से बचें, ज्यादातर मामले पंचायत के ग्राम कचहरी में ही निपटारा कराएं, इससे समय और रुपये दोनों की बर्बादी होने से बचाव होगा, साथ ही पंचायत का भी समुचित विकास होगा। मौके पर पंचायत कचहरी सचिव उमेश दुबे ने बताया कि ग्राम कचहरी संचालन के पहले दिन ही आवेदकों द्वारा 1100 रुपये का राजस्व जमा किया गया है। अंत में सरपंच पति जगन्नाथ यादव ने लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता की सेवा करना ही पहली प्राथमिकता है। साथ ही सभी वार्ड तथा पंचों के हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में बनाने का संकल्प लेकर अपना कार्य करें। बता दें कि पतलार पंचायत में जगन्नाथ यादव ने अपने कार्यकाल की शुरुआत रविवार से कर दिया है। हालांकि जगन्नाथ यादव चुनाव जीतने के बाद से ही पतलार में हुई फसल कटाई के मामले को सुलझाकर सुर्खियों में आ गए थे।